यह है मेरी जापान सीरीज की 6th वीडियो और इसमें आप देखेंगे कि टोक्यो के नारिटा एयरपोर्ट को उतरने के बाद हम अपने अपार्टमेंट तक कैसे पहुंचे। ये पहुंच गए भाई अपने बस स्टैंड पे, जैसे 2 नंबर मैंने बताया था, तो कुछ ऐसा बस स्टैंड यहाँ पे बना हुआ है। ये आगे हमारी लग गई है बस और बैठते हैं इसमें। अब ये बैग बार बार ये लाइन लगी है भाई, लाइन को पूरा फॉलो करना है यहाँ पे, सब लोग करते हैं। ये थी एयरपोर्ट शटल की बस अंदर से, और ये एयर कंडीशन थी और इसमें फ्री वाईफाई था अनलिमिटेड टाइम के लिए। ये हमको पहली वेंडिंग मशीन अपनी कुछ ऐसा है, पानी वानी पीने की। अब इसमें पानी कौन सा, ये नहीं पता, देखते हैं भाई अब क्या लेना है इसमें से। 120 फ्रॉम फ्रांस। अगर आपको जापान में अपना खर्चा थोड़ा कम करना है तो मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप वेंडिंग मशीन्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, क्योंकि मैंने इन वेंडिंग मशीन पे अपने पूरे टूर पे कम से कम 5000 येन खर्च करे होंगे। ये भाई ये लिया है मिल्क टी, देखते हैं कैसी, मीठी नहीं हो तो भाई दिक्कत हो जाएगी, पर यहाँ पे देखो वैरायटी देखो, यहाँ अलग अलग चीज़ों की अलग अलग ही चीज़ है यहाँ पे, तो रोज़ एक नई चीज़ आपको पी के बताऊँगा कैसी है। 7-Eleven में खड़े हैं भाई, 129 yen 129 yen की है, रोज़ नई चीज़ पीऊँगा, रोज़ बताऊँगा क्या पी रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल कटवा लेते हैं ये 5000 yen का नोट। हाँ, हम इस कैशियर से पूछ रहे थे कि चाय मीठी है या नहीं, पर वो हमको समझ नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा भाई जापान आया है तो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होंगे यहाँ पे, तो हमने ले लिए। खोल अब पी के बताता हूँ, मीठा कम है पर चाय जैसा टेस्ट आ रहा है, मीठा कम है पर ये देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसको ले जाके गर्म कर लो, और ठीक रेट है मेरे हिसाब से तो, क्यों भाई। हाँ, हांगकांग वगैरह तो ठीक है ना। हाँ, और खाने में ऐसी कुछ स्मेल भी नहीं है यहाँ पर जैसे सिंगापुर और हांगकांग में थी। अब ये जो हम रोज़ खाया करेंगे ना, वो बताया करेंगे क्या खा रहे हैं, उसका प्राइस वगैरह कैसा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर वेज ट्राई करना चाहिए। ये देखो इन्होंने, हमारे होस्ट ने क्या किया है, अपने ऊपर अपनी चाय गिरा ली। वो तो बढ़िया हुआ है चाय गर्म नहीं थी। अब प्रशांत भाई ट्राई कर रहे हैं, तुम बताओ रिव्यू। भाई ये तो बहुत ही मस्त है। मेरे को थोड़ी सी फीकी जैसे लगी। गांव में होती है ना एकदम वो गाढ़े दूध की चाय, वो वाला टेस्ट आ रहा है पूरा। ये यहाँ पे चीज़ तो ओरिजिनल मिलेगी यार जापान में। और अगर मैं सड़क दिखाऊँ आप लोगों को तो भाई देखो, मतलब चाट भी सकते हैं सड़क को, है भाई प्रशांत। मतलब सिंगापुर हांगकांग से बहुत ही बेहतर लग रहा है टोक्यो। हाँ, मतलब अलग फील आ रही है। बिल्कुल है ना, अलग ही वर्ल्ड कल्चर। चलो ये है सिगरेट की वेंडिंग मशीन, देखो भाई सब चीज़ों की वेंडिंग मशीन मिलेगी यहाँ पे। रेट दिखाऊँ तो इंडियन मालब्रो के हिसाब से 510 yen। भाई मैं तो पीता नहीं, अब अपने हिसाब से देख लो। मैं भी नहीं पीता, हम तो दिखा रहे हैं बस। अभी हम आ गए टोक्यो के मेट्रो पे, ये पास है, अभी यूज़ करना दिखाता हूँ मैं कैसे करना है, अलग है थोड़ा सिस्टम। और यहाँ से अगर मैं होटल की अपनी बस लेता, वो बस क्या है मेट्रो लेते, तो 170 का दिखा रहा था फिर 170, तो भी देखते हैं कितने का पड़ा हमको ये पास और फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। टाइम कुछ 7 बज गए हैं और अब जा रहे हैं हम गिंजा लाइन पे। गिंजा लाइन ऑरेंज लाइन है 85। हाँ, ऑरेंज लाइन है 85 मीटर दूर। दिखाता हूँ मेट्रो, दिखाते हैं आप कैसी यहाँ की, अलग अलग लाइन की अलग अलग होगी, नई पुरानी तो सारी दिखा रहे हैं। टोक्यो की मेट्रो भी दुनिया की सबसे पहले चलने वाली मेट्रो में से एक है, देखते हैं कैसी है। भाई यहाँ के लोग बड़े तेजी में हैं, बहुत बहुत शांत हैं। शांत है भाई, बिल्कुल हल्ला नहीं है। चलो भाई, अरे ये नहीं है आकाशु लाइन है, तो वो गिंजा लाइन कहाँ गई, यही है गिंजा लाइन। दिखा दिखा लोगों को शूट कर रहे हैं यहाँ पर, सब ब्लैक में, मैन इन ब्लैक। ये अपने लिए, नहीं आजा ऑरेंज में। ये अपनी वो पास ऐसे डालने भाई टिकट, गिंजा लाइन नीचे भाई। ये था हमारा जापान मेट्रो में पहला अनुभव जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए।
ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं, जापान में आपको अलग अलग किस्म की ट्रेन देखने को मिलेंगी, पर सबसे बेहतरीन ट्रेन हमको मेट्रो में ये वाली लगी थी, जो इसके बाद हमको देखने को नहीं मिली पूरे सफ़र में। जापान मेट्रो के हर स्टेशन पे आपको बहुत सारे एग्ज़िट मिलेंगे, और यही सोच रहे थे हम यहाँ पे खड़े होके कि हमारा अपार्टमेंट कौन से एग्ज़िट के पास पड़ेगा और किस एग्ज़िट से एग्ज़िट करें। तो अभी ये वेंडिंग मशीन्स तो आती रहती है, इतनी सारी वेंडिंग मशीन्स, ये तो मेरे को खैर पता था कि आएंगी बहुत सारी। टाइम अभी 8:30 के करीब हो गया, हम आराम आराम से जा रहे हैं घूमते। और भाई वेदर बिल्कुल प्यारा हो रखा है, अभी होगा कुछ 17-18, ना जैकेट की जिप बंद करने की ज़रूरत है, ना मतलब जैकेट उतार सकते, तो मतलब प्यारा मौसम। और ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल नहीं है, जितनी सिंगापुर में थी ना ह्यूमिडिटी नहीं है, हवा भी अच्छी चल रही है। शायद यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे हम पहुँच जाएंगे अपने, पता नहीं यार वो होटल है हॉस्टल है। और जो एयरपोर्ट भी पूछा उसने तो कह दिया किंडरगार्टन है, मैं कहा ठीक है भाई स्कूल में ही सो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर देखते हैं क्या मिलता है वो, क्योंकि booking.com पे नई लिस्टिंग थी वो और सबसे चीपेस्ट दिखा रहा था, तो मैंने कर दिया था बुक। अभी कुछ ऐसा नज़ारा चल रहा है हमारे सामने, खैर पीछे तो देख ही रहे थे, आगे भी देख लो। अभी क्या हुआ कि हम अपार्टमेंट में तो खड़े हैं, अभी बिल्डिंग में फोन मिला लिया, सब कुछ कर लिया। कितनी देर से खड़े हो गए भाई? पिछले 2 या 3 घंटे से हम भाई एड्रेस ढूंढ रहे हैं, एड्रेस ढूंढ लिया ये, तो घर में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो हमारा बुकिंग था 301 ये था, ठीक है। अब इसको मतलब हम बस जा ही रहे थे 301 में। पहले तो हमने क्या किया, जब यहाँ एंटर हुए तो यहाँ अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, तो ऐसे तो जा नहीं पा रहे ना, कुछ लॉक सिस्टम ना कुछ। फिर हम यहाँ आ गए, हमने ये चार्ट देखा कि अच्छा ठीक है हमारा रूम ये है, लेकिन अब अंदर कैसे जाएं। फिर यहाँ पर आके खड़े हो गए, कॉल कर दिया 301 पे, घंटी जा रही है कोई उठा नहीं रहा। फिर खड़े रहे यहाँ पर कम से कम 1 घंटा ऐसे ही कि भाई एक बंदा 10 बंदों से मदद मांग ली होगी भाई, 10 बंदों से मदद मांग ली। फिर एक बंदा आया जो इसी अपार्टमेंट में रहता है अंदर, उसने अपनी कोई चाबी लगाई और वो अंदर चला गया, उसी के सारे हम भी घुस गए। तो 301, अब आगे कहानी सुनना कितने इंटरेस्टिंग है। तो हम पहुंच गए 301 रूम में, रूम के बाहर हमने वहाँ बेल बजाई, गेट ही नहीं खोला, हमने सोच लिया अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, चलो यहाँ से दूसरी बुकिंग करते हैं। वापिस आए, फिर वापिस आ रहे थे, आते आते फिर यहाँ पर ये मेल बॉक्सेस मिल गए, जैसे ये 301 है बस दिख गए, पता नहीं। फिर मेरे दिमाग में आ गया कि यार इसे जरा खोल के देखते हैं, इसने क्या आइटम है। मैंने खोल के देखा तो चाबी मिल गई हमें अपने फ्लैट की। मतलब यहाँ पर सिस्टम आया यार मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब वो जो बंदा था तो हम नहीं बता सकते कोड, ये मेरे को बाद में वीडियो के बाद बताएंगे, इनको ही पता है मेरे को भी नहीं पता। अब यार चाबी लगा के देखो, देखते हैं क्या होता है, खुल जा सिम होना चाहिए यार। ओ भाई तो भाई खुल तो जाते हैं ऐसे, पर हम ना फिर जब वापस आ रहे थे तो ऐसे ही मन में आया कि यार एक बार ये मेल बॉक्स खुल के देख लेते हैं। जैसे ही मेल बॉक्स खुला हमें हमारी चाबी मिल गई, और हम जो 2 घंटे से यहाँ पर जो रोना रापा कर रहे थे वो हम तो बस चल दिए थे, ये बस प्रशांत भाई की देन है थोड़ी अकल दौड़ाई चलो, और ये मेरी अकल है कि भाई मैंने एक अपार्टमेंट बुक कराया है। अब देखते हैं अपार्टमेंट कैसा है, दोनों की अकल से अंदर पहुँच चुके हैं। ये थी भाई लिफ्ट, इसमें हम पहले भी जा चुके हैं, मतलब ये खुलदा सिम तरीका हो गया ये, पहले तो दरवाजा देखा कैसे खुलता खुलदा। चाबी भी देखो कितनी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्लास हैवी कार की चाबी लग रही है, इसे गाड़ी की चाबी देखो ठीक है। और अभी ये चाबी मतलब ऐसे खोला रहा और चाबी हाथ में गिर गई, कैसा लगा था? बहुत मजा आ गया था, लगा कि दुनिया की सारी खुशियां मेरी झोली में आ गई।
अब पहुंचते भाई 301 पे। ये दबा दिया भाई लोग हमने बटन, मतलब अभी तो थके हुए। टाइम बता दूं मैं आपको, टोक्यो पे हम लैंड हो चुके थे 4 बजे, खैर हमने 8 बजे से यहाँ खड़े हैं और अभी 9:30 हो रहे हैं। 4:15 पे हो गए थे। हमने पेमेंट नहीं करी है अभी तक। अरे अरे भाई भर रहा था, लाइट जला हुआ है। ये घुस गए हम अंदर और ये हो गया चांदना और फर्स्ट क्लास है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम घुस गए भाई, घुस गए। ये है बाथरूम, हम भी पहली बार ही देख रहे हैं। अब आपसे हम इतने टेंशन में थे ना कि वीडियो नहीं बना पाए, अभी कहाँ से बनाएगा। हो गया भाई, टीवी, एसी, माइक्रोवेव, मतलब गरम करके हम 7-11 से यहाँ पे गरम कर लो। बिल्कुल वही करेंगे हम। चलो अभी ये थोड़ी देर बाद एक्साइटमेंट हो रही है। सोफा, बेड, टीवी सब है भाई, मजा आ गया। बढ़िया। रेट वेट बताता हूँ मैं आपको। ये हमने 3 नाइट्स के लिए, गद्दा ज्यादा है क्या? बढ़िया है भाई। 3 नाइट्स के लिए 6,750 दो बंदों के लिए। अब वो पेमेंट लेने कब आएंगे भाई? भाई जब तक हम यहाँ 3 दिन तक हैं तो हैं, आगे किसी दिन तो दे देंगे। नहीं भाई बहुत लोग खा रहे हैं यार। अब आ गए हैं हम बाहर, हमारा प्लान है से, और हाँ उनके घर में हॉटस्पॉट भी मिल गया हमको, उसको हम जेब में डाल रहे हैं। पॉकेट वाईफाई मिल गया, यहाँ का काम हो गया। अब हम सोच रहे हैं एक साइकिल लेने की। हाँ कल मन तो है साइकिल चलाने का, टोक्यो में साइकिल चलाते हैं। साइकिल भी ऐसी खुल जाती है क्या? इसकी भी ताली कहीं पड़ी हो। यार बिल्कुल बंद हो गया है टोक्यो तो, बिल्कुल मतलब 9:30 ही, 9:30 नहीं 9:30 7 बजे ही। अबे तो इंडिया के 7 बजे। हाँ हम जब यहाँ पे आए थे ना तभी चहल पहल सी कम हो गई थी, 8 बजे के करीब मतलब सारे घर में घुस गए। अब चल रहे हम 7-11, माइक्रोवेव भी है तो कुछ ऐसा सामान लेके आते हैं जो गर्म करके खा सकें सुबह भी शाम को भी। और अगर 7-11 ने वहीं माइक्रोवेव में गर्म कर दिया तो वहीं खा लेंगे। नहीं वो नहीं करते शायद, देखते हैं वो क्यों करेंगे। चलो देखते हैं। करते हैं नहीं करते, 24/7 वाले करते हैं। करते हैं हाँ, ऐसे करते होंगे तो वहीं खा लेंगे और अपना सुबह के लिए ले आएंगे, है ना। जो देखने में अच्छी सी चीज़ लगेगी ना वो लेंगे और दिखा देंगे क्या खा रहे हैं। हमने क्या भैया टी, कौन सी टी थी? मिल्क टी, मिल्क टी बढ़िया थी वो। प्रशांत भाई का अंदाज़ा सही था, यहाँ हमने खरीद लिया है कुछ गर्म कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है कि पॉर्क है या फिर बफेलो है, तो बफेलो क्या कहते हैं? बीफ बोलते हैं लोग। हाँ बीफ, हाँ अरे यार मैं, हम भी तो वही बोलते हैं लेकिन नहीं, कहीं कहीं जगह पर क्या होता है कि बीफ मतलब काऊ होता है, काऊ में, लेकिन कहीं जगह बीफ बफेलो बीफ भी होता है। तो अभी गर्म कर रहे हैं और क्या क्या खरीदा भाई बताओ, सारी चीज़ें ही दिखा दो। अभी खड़े ही हैं हम यहाँ पे। हमने एक बियर लिया, कुछ ब्रेड लिए और न्यूटेला लिया है। हाँ तो इसका बिल आ गया भाई 1,132 रुपये, 32 येन में बिल आया। ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी तो हमने ले लिया अभी, और ये लिया है। चलो चलते हैं भाई। यहाँ पर रोड इतनी साफ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। पता है मैं कई कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, रशिया और बैंकॉक, थाईलैंड, मतलब जितनी साफ सफाई हमने जापान में देखी है ना इतनी कहीं नहीं है। ये रोड देखो ऐसे हाथ मार के भी मिट्टी अगर हाथ में आ जाए तो भाई सो क्लीन। प्रशांत भाई नाम बदल लेंगे अपने। बहुत ही साफ सफाई है और मैं इतनी कंट्रीज घूम चुका हूँ कभी ऐसे रोड पे नहीं बैठे, लेकिन यहाँ देखकर मन कर गया। हाँ यहाँ यहीं बैठ के खा के फिर जाते हैं, फिर कहीं और घूमेंगे और यहाँ का जो टोक्यो का जो टाइम स्क्वायर है वहाँ पर जाएंगे। हाँ उसके बाद देखते हैं, अभी देखते हैं क्या पता कल पर दिखा दिया। अब तो हम क्या खा रहे हैं, ये खा रहे हैं और ब्रेड वगैरह। हाँ। अब ऐसे देश आए कि हर खाने का बताना पड़ेगा, पूछते भी हैं लोग। ये चाउमीन 298 येन की है, कैसी दी प्रशांत?
मेरे को बहुत बढ़िया लगी। मेरे को भी बढ़िया थी, ये कह रहे हैं मैं भी लेके आऊँगा एक। मतलब हमने चाउमीन, मतलब से हम तो चाउमीन ही बोलेंगे क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसा कुछ चाउमीन ही बोलते हैं। यहाँ पे पता नहीं है क्या बोलते हैं नूडल्स को, पर हमने ये नूडल्स बैंकॉक, मतलब जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं यहाँ खा के देखी, ये लोग कुछ अलग ही खाते हैं। जैसे कि बैंकॉक हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, मतलब कुछ अलग ही स्मेल आती है। पर ये एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम इंडिया में खा रहे हैं कुछ, थोड़ा मसालेदार है। ठीक है, तो ये था हमारा चाउमीन का रिव्यू। और न्यूट्रल वाला ब्रेड तो सेम ही होती है, दुनिया में वही खाते हैं। ये लाए एक और चीज़ जैसा कुछ। अब प्रशांत भाई इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएंगे। ये आलू और चीज़ लग रहे हैं मुझे। नाइस, ठीक है, मसालेदार है क्या? ये हम एक और चीज़ लाए हैं, तो इसकी खुशबू भाई मेरे को अच्छी नहीं लग रही है ना। क्या खा गए भाई इसमें, देखते हैं भाई ये क्या है। प्रशांत भाई कह रहे धोखा खा गए भाई इसमें तो चुनने में। ये देखो पानी सा है नीचे, तो ऑयल है। हाँ ऑयल। ये सोया सॉस बहुत खाते हैं यहाँ के लोग, सोया सॉस बहुत खाते हैं। कैसा भाई, बड़ा फीका ही होगा मेरे हिसाब से तो। खाने लाएगा बस। अच्छा, पहले वाली चाउमीन सही थी फिर भी। वो फिर भी इंडियन स्टाइल में थी, ये वही है थोड़ी सिंगापुर टाइप की। चॉपस्टिक तोड़ के दिखाना भाई प्रशांत। ये ना, ये लकड़ी की वेस्टेज और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में आपको और भी जापान की अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी।